हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मार्कोविट्स थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन। ये होगा इग्नू एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर इलेक्टिव कोर्स MECE 4, जिसका टाइटल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। ठीक है, ये बहुत ही बिगिनर आई क्वेश्चंस है और ये एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उसी पर हमारा आज का वीडियो आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने से पहले, अगर आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो मार्कोविट्स थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन है, ये एसोसिएट है ऑप्टिमल बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, रिगार्डिंग टू ऑप्टिमल च्वाइस ऑफ पोर्टफोलियो। कि किस तरह भी, मतलब यहाँ पर एक इन्वेस्टर जो चूज करेगा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मीन्स एसेट का। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टर, उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है, अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पोर्टफोलियो पर वो मनी इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, वो एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क वो लेने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। एन इन्वेस्टर सिक टू मैक्सिमाइज हिज एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट विद गिवन लेवल ऑफ रिस्क ही इज विलिंग टू अंडरटेक। एक दिए हुए रिस्क वो चाह रहा है लेने के लिए, उसके आधार पर अपने जो पोर्टफोलियो का सिलेक्शन इस प्रकार करेगा जिससे उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न में बढ़ोतरी होगा। ये कुछ सर्टेन एग्जम्पशन पर आधारित है, जो चार एग्जम्पशन, इसका बेसिकली चार एग्जम्पशन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेजर एग्जम्पशन है। कोई भी इन्वेस्टर चूज करेगा पोर्टफोलियो को, वो आधार होगा उसका मीन एंड वेरियंस। ठीक है, मीन्स एंड वेरियंस के आधार पर वो अपने पोर्टफोलियो का चुनाव करेगा। मीन एक्स बार सिग्मा स्क्वायर डिनोटिंग वेरियंस। दूसरा एग्जम्पशन है इसमें, ये रिस्क एवर्स होगा, मतलब इन्वेस्टर होगा रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स का मतलब हुआ गया ही डिसलाइक द टेकिंग रिस्क या अवॉइडेंस ऑफ रिस्क। ये रिस्क को अवॉइड करना चाहेगा, लेकिन साथ ही साथ ये अपनी यूटिलिटी भी बढ़ाना चाहेगा। तो इसका जो सेकंड नंबर एजम्पशन है कि इन्वेस्टर क्या होगा, रिस्क एवर्स यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। तीसरा है सिंगल टाइम पीरियड, माने इन्वेस्टर जो होगा उसका सिंगल टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड होरिजिन होगा, और ये अदर इन्वेस्टर के लिए भी सेम होगा। ठीक है, सिंगल टाइम पीरियड होरिजिन की एजम्पशन पर आधारित है, एक सिंगल पीरियड पर ही वो चूज करेगा अपनी पोर्टफोलियो को होरिजोन। एंड फाइनल उसका आइडेंटिकल जितना भी ऑल द इन्वेस्टर के पास आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशन होगा, उसका एक समान एक्सपेक्टेशन यानी आशाएं होगी, अपेक्षाएं होगी, जैसे किसके लिए, रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न मीन एंड वेरियंस ऑफ रिस्की एसेट, ऑल द रिस्की एसेट। ये चार मान्यताओं के आधार पर ये बिल्ड किया गया है मार्कोविट्स थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन। अब सेकेंड चीज जो समझने की जरूरत है, इसमें एक सेट ऑफ इफिशियंट, जो सेट ऑफ इफिशियंट, ठीक है, पोर्टफोलियो को दिया जाता है रिस्क रिटर्न इंडिफरेंस कर्व। अब रिस्क रिटर्न इंडिफरेंस कर्व आपको यहां पर, यहां रिटर्न को मापा गया है वर्टिकली रिटर्न, और यहां पर रिस्क को मापा गया है। ठीक है, और ये कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे।
ये रिक्स रिटर्न इंडिफरेंस कर्व है, I1, I2, I3, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्स रिटर्न इंडिफरेंस कर्व या ऑन द बेसिस ऑफ रिक्स रिटर्न स्पेस है ये, ठीक है। उसके आधार पर आप देख सकते हो रिक्स रिटर्न जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स एंड अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। और जितना ज्यादा स्टीपर होगा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व उतना ज्यादा लोगों में डिग्री ऑफ रिक्स एवर्जन ज्यादा होगा, यानी दूसरा शब्दों में यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगा। जितना ज्यादा ये स्टीपर होगा इंडिफरेंस कर्व का, रिक्स रिटर्न इंडिफरेंस कर्व का जितना ज्यादा स्टीपर होगा मतलब ढाल खड़ा होगा, उतना ज्यादा व्यक्ति रिक्स को अवॉइड करेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ ये इंडिफरेंस कर्व 1 है जो लोअर लेवल का है, उससे ज्यादा ये हायर लेवल को इंडिफरेंस कर्व I2 ये ज्यादा माने हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और कोई भी पॉइंट किसी भी इंडिफरेंस कर्व का, जैसे ये पॉइंट यहां लिए, एनी पॉइंट ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंटिंग सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो ये हम लोग समझ गए रिक्स रिटर्न इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट स्टेप है, एक दिया हुआ रिक्स में या गिवन लेवल ऑफ रिक्स में जो डिफरेंट पोर्टफोलियो होता है, दस आप कह सकते हो विद या गिवन द सेम लेवल ऑफ रिक्स जो डिफरेंट पोर्टफोलियो का डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, और कोई भी इन्वेस्टर, ठीक है, वो अपने हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व जो अचीवेबल है वो उसको प्राप्त करना चाहेगा। और एक बात है कि जो सेट ऑफ इफिशियंट पोर्टफोलियो, जो इफिशियंट पोर्टफोलियो का जो सेट है, ठीक है, इफिशियंट पोर्टफोलियो का जो सेट है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पोर्टफोलियो, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मार्को बिट्स इफिशियंट फ्रंटियर, जो यहां पर रेड कलर का आपका ये लाइन है, ये बता रहा है आ सेट ऑफ इफिशियंट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहां पर इस थ्योरी के अनुसार कि आखिर ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो किस पॉइंट पर होगा, ठीक है, तो जो ऑप्टिमल जो पोर्टफोलियो का सिलेक्शन उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर जो ये मार्को बिट्स इफिशियंट फ्रंटियर है जो अपने हाईएस्ट अचीवेबल, ठीक है, रिक्स रिटर्न इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करता और वो पॉइंट पी डैश है, तो इस पॉइंट पर यहां पर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का सिलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मार्को बिट्स थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन। तो आज का हमारा क्लास इस पर आधारित था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, लाइक दें और कमेंट करना ना भूलें। और भी मोर वीडियो विल कम ऑन दिस कोर्स कोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।